गुड आफ्टरनून मैम, वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। प्लीज़ इनेबल द पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग और इफ पॉसिबल मेक मी अ होस्ट। थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। और सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आई होप कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स ऑनलाइन स्टडीज आर गोइंग ऑन एंड यू पीपल आर फीलिंग सो मच स्ट्रेस। मैनी टाइम्स यू फील कि नहीं हो पा रहा है, कैसे करें, कैसे प्रिपरेशन करें। थोड़ा सा टफ टाइम है और इस टफ टाइम में हम सबको अच्छा करके दिखाना है, क्योंकि टफ टाइम जब आता है तो जो टफ पीपल होते हैं वो कर पाते हैं। हमें टाइम मिलता है अपने आप को शो करने का, अपने एफर्ट्स को लगाने का अलग अलग तरीके से। तो कैसे कैसे हम, कई बार हमारे अंदर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हो पा रहा है, कई बार स्ट्रेस में हो गए, कई बार पेरेंट्स ने कुछ बोला और हमने नहीं सुना, इरिटेट हो जाते हैं कई बार। तो ये जो सिचुएशंस हैं इनको कैसे हम हैंडल करें, विथ सम एग्जांपल्स कि कैसे लोगों ने पहले इनको हैंडल किया है अच्छे से। सिचुएशन अभी इतनी वर्स्ट नहीं है, लोगों के साथ पहले भी इससे वर्स्ट सिचुएशंस हुई हैं, तो उनमें हम कैसे इनको मैनेज करें, किस तरीके से हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को फॉलो करके, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख के। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि किन किन कंडीशंस से स्ट्रेस डेवलप होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे स्ट्रेस आ जाता है। कई बार हमको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें हम चाणक्य। कितने लोगों ने आपने ऐसे चाणक्य का नाम सुना है, आचार्य चाणक्य जी का सुना है आप लोगों ने, सुना है क्या सुना है आपने? वेरी गुड, आप सबने सुना होगा कि एक किंग थे घनानंद, एंड उन्होंने उनको बड़ा इंसल्ट किया। आफ्टर दैट उन्होंने एक ओथ ली, एक प्रण किया, और चाणक्य के पास जो संसाधन थे वो बहुत ही लिमिटेड थे। ही वॉज अ टीचर और बहुत लिमिटेड संसाधन थे। उन्होंने एक जीवन का, एक अपनी लाइफ का एक गोल सेट किया कि हमें अपना ये जो डिसरिस्पेक्ट हुई है, इंसल्ट हुई है इसके लिए, या ये जो इंडिया की जो सिचुएशन है अभी देश की, इसको हमें पूरे, एक्चुअली उस टाइम पे जो देश था वो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड था, सबका अपना अपना किंगडम था और हर कोई अपना अपना करता था। तो उन्होंने कहा इसको हमें पूरे को एक करना है। तो उन्होंने, एक बड़ा काम था, ये बड़ा गोल था उनका और रिसोर्सेस बड़े लिमिटेड थे, लेकिन उन्होंने ये सब किया। चंद्रगुप्त को उन्होंने तैयार किया एंड चंद्रगुप्त एक एम्परर बने लास्ट में इंडिया के। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा तो वही है जो लड़ा नहीं होता। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप कोई भी एम, कोई भी गोल आप बना के चलोगे लाइफ में, तो वो गोल बड़ा नहीं है। आप सारे गोल अचीव कर सकते हो, लेकिन हार तभी होगी जब आप लड़ोगे नहीं, जब आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे, जब आप कोशिश नहीं करोगे। तो लाइफ में हमें हमेशा याद रखना है कि किसी भी सिचुएशन में हो, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो, हमें एफर्ट्स हमेशा लगाने हैं। हम बैठ नहीं सकते, गिव अप नहीं करना है, वी शुड नॉट गिव अप। हमें ऑलवेज अपने एफर्ट्स को लगाना है। हम धीमे धीमे लगाएंगे ना, स्लो स्लो एफर्ट्स लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है हमसे, लेकिन हम एफर्ट्स लगाएंगे। अब हम बात करें कि कौन कौन से, कैसे कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं।
कई बार स्ट्रेस हो जाता है कि हम कैसे करें, नहीं कर पा रहे हैं सर, हैं बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो उसमें कई बार रिसोर्सेज का आता है कि सर वो बच्चे ने अच्छा कर लिया क्योंकि उसके पास तमाम रिसोर्सेज हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो हम कैसे करें। ये एक फैक्टर होता है बच्चों में, स्ट्रेस आ जाता है कई बार। फिर हम सोचते हैं कि सर, हमें कई बार होता है बच्चों का कि आई एम अ टीचर ऑल्सो, आई एम रनिंग अ केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट इन ग्वालियर, द केमिस्ट्री वर्ल्ड क्लासेस। तो मैं कई बार देखता हूँ बच्चों को डील करता हूँ, वी आर टीचिंग फॉर नीट एंड जेई 11-12 स्टूडेंट्स, और हमें कई बार नोटिस करते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि सर हमने बहुत एफर्ट्स लगाए, नहीं हो पाया, या इस वाले एग्जाम में हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो ये कई बार होता है। तो हमें ये एफर्ट्स के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे आज कि एफर्ट्स हम जब भी लगाते हैं कभी ख़राब नहीं जाते। दूसरा, हम एनालिसिस करना चाहिए हमें एवरीडे। बताऊंगा मैं अभी कैसे हम एनालिसिस करके वी कैन मैनेज द स्ट्रेस। ग्रेटिट्यूड, जीवन में सब कुछ खराब नहीं होता। वो बोलता है कोई कि हर दिन खराब नहीं है, दिन में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होता है। विल पावर, विल पावर को हमें स्ट्रांग रखना है। इस पर भी हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में कि किस तरीके से हम विल पावर को इम्प्रूव करें, कैसे हमें विल पावर का ध्यान रखना है। डिसिप्लिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अगर डिसिप्लिनड हो तो स्ट्रेस नहीं आएगा फिर आपको। दूसरा, आपको फोकस करना होता है टाइम वर्सेस टास्क पे। कई बार हम टाइम हमारे पास और टास्क को हम मैनेजमेंट नहीं कर पाते प्रॉपर, तो उसके लिए भी हमें काम करना है। बात करेंगे आज कैसे मैनेज करना है। रिलैक्स, रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे तो फिर तो आपको फटीग होगी एंड आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, रिसोर्सेज पर, एफर्ट्स पर, एनालाइज एवरीडे एनालिसिस पर, ग्रेटिट्यूड, विल पावर, डिसिप्लिन, टाइम वर्सेस टास्क, रिलैक्सिंग, और इन सब को मिला के तब हम अपने स्ट्रेस को बहुत इजीली वी कैन मैनेज। रिसोर्सेज की बात करते हैं सबसे पहले। आप सब ने भगवान राम के बारे में सुना है, सभी ने रामायण सुनी है, पढ़ा होगा सबने। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भगवान राम, आपने सुना है कि भगवान राम जब युवराज बनने वाले थे और उसी टाइम उनको वन में भेज दिया गया, और वन में जब वो गए 14 इयर्स के लिए तो उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे। आप देखो, मैंने फोटो आपकी स्क्रीन पे आ रही है कि जब वो वन जा रहे हैं तो कोई रिसोर्सेस नहीं है। दो भाई हैं और उनकी पत्नी है, माता सीता हैं। तो वहाँ जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ, एक बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो गई। रावण ने सीता माता को किडनैप कर लिया वहाँ से, कोई रिसोर्सेस नहीं। वो चाहते तो वहीं बगल में उनका ननिहाल था कौशल प्रदेश, वहाँ से जाके हेल्प ले लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वहाँ जो उनके पास रिसोर्सेस थे जंगल में, वन में, वहीं उन्होंने नए फ्रेंड्स बनाए, और नए फ्रेंड्स बना के उन्होंने वहीं पर एक नई आर्मी क्रिएट की, वानर सेना बनाई उन्होंने, नए दोस्त बनाए। जो रिसोर्सेस थे उनके पास उन्हीं का उन्होंने बेस्ट यूज किया, इसीलिए बोल। और जाके उन्होंने माता सीता को भी छुड़ा लिया, रावण को भी उन्होंने ख़त्म किया। तो बोलते हैं ना इसीलिए कि जब भगवान, जब राम बन गए तो वो केवल राम थे जब वो वन में गए, जंगल में गए, और जब वन से वापस आए तो भगवान राम हो गए, क्योंकि उन्होंने इतने एफर्ट्स लगाए, रिसोर्सेस को उन्होंने इतना ब्यूटीफुली, इतना स्मार्टली उन्होंने यूज किया, और उन्हीं रिसोर्सेस की हेल्प से उन्होंने माता सीता को भी छुड़ाया। एंड देन आप देखो, आफ्टर दैट लॉर्ड राम बिकम्स किंग, राम बने, भगवान वहाँ पर राजा बने आके अयोध्या में। तो ये एक बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमें रिसोर्सेस को लेके रोना नहीं है कि हम रोने लगे, नहीं नहीं अरे यार सर आज तो लाइट ही नहीं आई, पापा आज तो एसी नहीं चल रहा था, हम कैसे पढ़ें, आज तो हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, बगल वाले ने आज हमको डिस्टर्ब कर दिया। तो ये रोना नहीं रोना है, जो रिसोर्सेस हैं उनमें हमें बेस्ट करना है। आप देखो, एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं रिसोर्सेस का। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, सुना है आपने? तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो पढ़ते थे उनके पास वेरी गुड बच्चों, उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे बहुत ज़्यादा। वो जब पढ़ते थे तो कई बार जो स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, स्ट्रीट लाइट्स के किनारे पढ़ते थे जाके, घर में लाइट नहीं थी उनके, तो वो जाते थे और स्ट्रीट लाइट्स में जाके पढ़ते थे। तो रिसोर्सेस का रोना नहीं रोना है कभी भी,
कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, जो है उसका बेस्ट यूज करना है और ऑलवेज हमें पॉजिटिव रहना है कि वी कैन डू एंड वी विल डू। नेक्स्ट, अब होता है कई बार हमने एफर्ट्स लगाए, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमने बहुत एफर्ट्स लगाए लेकिन हमारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, अब क्या करें, तो बड़ा दिक्कत हो गई, बड़ा परेशान हो गए। बहुत बार बच्चे आते हैं, आप तो छोटे बच्चे हो, कई बार तो 11th 12th के ड्रॉपर्स के बच्चे आते हैं कि सर हम नहीं कर पाए, अब क्या करें, हम कैसे करें। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11th के हैं 12th के हैं ड्रॉप या इवन 10th क्लास में होंगे 9th में होंगे, छोटे बच्चे भी हैं 5th के भी होंगे, तो आपको भी कई बार क्या लगता है कि सर नहीं कर पाए हम, अच्छा किया हमने बहुत मेहनत की लेकिन मार्क्स नहीं आए मम्मा, क्या करें हम। होता है आप लोगों के साथ नहीं ऐसा? किसी के साथ नहीं होता ऐसा आप में से? कई बार बहुत पढ़ते हो और नंबर नहीं आते हो, होता है। तो इसको हमें परेशान नहीं होना है कि नंबर नहीं आए। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप जब भी पढ़ते हो ना, जब भी आप पढ़ाई करते हो या जब भी आप पॉजिटिव एफर्ट्स लगाते हो पढ़ाई के लिए, तो उसका आपको रिवार्ड जो है वो कभी ना कभी जरूर मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि तुरंत ही मिले, जैसे हमने लाइफ में कभी भी एफर्ट्स लगाए तो वो आपके जाया नहीं जाते, वेस्ट नहीं होते। जैसे सुग्रीव, सुग्रीव का नाम सुना है आप लोगों ने? आप लोगों ने? हाँ, तो सुग्रीव और बाली, सुग्रीव के भाई थे बाली, खूब लड़ाई होती थी उनमें, बाली खूब मारते थे सुग्रीव को, सुग्रीव बेचारे डर के भागते थे उनसे। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान राम जब उनसे मिले तो भगवान राम ने उनको बोला कि भैया माता सीता को ढूंढना है, तो उन्होंने क्या किया, सुग्रीव ने बड़ा अच्छे से मैनेज की चीज़ें, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने सेलेक्ट किया कि इस वाले वानर को वहाँ भेजना है, हनुमान जी को यहाँ भेज देना है या मान लो अंगद को यहाँ भेजना, सबको उन्होंने डिसाइड किया सबका जॉब, कौन को क्या करना है, किसको कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है। तो भगवान बड़ा सरप्राइज हुए कि आपको ये कैसे पता है, मतलब उनको एक्चुअली जियोग्राफी बड़े अच्छे से पता थी सुग्रीव को पूरे अर्थ कि कहाँ पर किस तरीके से चीज़ें, कहाँ पर रेगिस्तान है, कहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्शी प्लेसेस हैं, दलदल है, कहाँ पर ओशियन है, किधर प्लेन है, तो ये सब उनको बड़े अच्छे से पता था। तो भगवान राम ने कहा आपने तो बड़े अच्छे से मैनेज किया, ये सब आपको कैसे पता लगा। तो उन्होंने कहा कि जब बाली मेरा भाई मेरे को मार रहा था तो मैं पूरी अर्थ पे भाग रहा था, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा था, तो मैंने पूरी अर्थ के चक्कर काटे हैं, तो मुझे ये पता लग गया कि पूरी अर्थ की जियोग्राफी क्या है, कहाँ पर क्या प्रेजेंट है। तो आप समझो उन्होंने उस टाइम पे जो किया उसको यहाँ उन्होंने यूज किया। तो आप जब भी कहीं कोई, ये तो एक एग्जांपल है, आप जब भी कुछ पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि वो वेस्ट चला जाएगा, आप कुछ भी सीखोगे लाइफ में वो आपके काम आएगा ही आएगा। कभी आज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं आएगा, इन फ्यूचर आ जाएगा। तो एफर्ट्स नेवर वर्थलेस। अब हम दिन में क्या करते हैं, हम बात करें एनालाइज कैसा कैसे करना है हमें अपने डे को, एनालाइज एवरीडे की अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है कि हमने दिन में कोई काम किया और शाम को हमें लगा यार, तो हमें सोचना चाहिए कि आज के दिन में आपने ऐसे कौन से काम किए, ऐसे कौन से आपके एफर्ट्स थे जो आपको आपके गोल की तरफ ले जा रहे थे। गोल, जैसे मान लो आपने गोल सेट किया कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट होना है और आपने कोशिश की कि हमें जो है कल टेस्ट है और हमें इसमें अच्छे नंबर लाने हैं। अब आपने आज के दिन में जब शाम को आप बेड पे लेटे तो ये प्रैक्टिस में रखें, आप क्या करें, आप सोचें कि आज के दिन में हमने कितना टाइम ऐसा किया कि हमारी पढ़ाई जो हमारे उस रिजल्ट की तरफ गया, एग्जाम की तरफ, एग्जाम में फेवर देगा हमें। फिर हमने ऐसा क्या किया जो एग्जाम में फेवर नहीं करेगा, जो गलत था, जो यूजफुल नहीं था फॉर अवर गोल। बात समझ में आ रही है आपको कि जो गोल के लिए यूजफुल नहीं था। फिर आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि किस चीज को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, व्हाट कैन व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। तो आप जब ये हैबिट में डालते हो कि एवरीडे आप अपनी एनालिसिस करते हो, जब शाम को आप बेड पे सो रहे हो आप ईच डे अपनी एनालिसिस करते हो कि व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, क्या गलत हो गया क्या सही था,
और किसको में भी और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो स्लोली स्लोली आप में क्या आने लगेगा, इम्प्रूवमेंट। आपका स्ट्रेस डेवलप ही नहीं होगा, धीमे धीमे आपका एड्रेस वो स्ट्रेस जो है वो खत्म होने लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब बात करते हैं कि शाम को जब आप ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एवरी डे मे नॉट बी गुड, बट देयर इज गुड इन एवरी डे। एवरी डे आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, आपके नेवर्स ने, आपके फ्रेंड्स ने आपकी हेल्प कोई ना कोई कभी ना कभी जरूर करता है। तो आप ये हैबिट में लाएं, और इवन जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे भी हैं, वो भी एक चैलेंज रखें अपने लिए, 7 डे ग्रेटिट्यूड चैलेंज। इसमें क्या है कि पर डे आपको किसी ने हेल्प की, मान लो आपकी मम्मा ने आज आपको होमवर्क करने में कोई हेल्प कर दी, फादर ने कोई सम आपको बता दिया, टीचर ने आपकी कोई क्वेरी थी उसको क्लियर कर दिया, तो आप जब इवनिंग में बैठे हैं तो आप सोचें कि जीवन में कुछ भी खराब नहीं है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड जरूर आप अपने आप से एक थैंक्स उनको दें कि जिन्होंने हमारी हेल्प की आज के दिन में, उनके लिए ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है। इससे आपको निगेटिविटी नहीं आएगी, आपको ये नहीं लगेगा कि सब कुछ निगेटिव है, आपके चारों तरफ सब खराब है। कई बार लगता है ना, स्ट्रेस आता है कि अरे कुछ नहीं बचा, ये तो सब बेकार हो रहा है हमारे चारों तरफ, तो उस बेकार में भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। तो ये लाइन हमेशा याद रखें, सेंटेंस, एवरी डे मे नॉट बी गुड, हो सकता है आपका दिन खराब हो गया हो, बट देयर इज गुड इन एवरी डे, और उस एवरी डे में जो गुड है उसको आपने ढूंढना है, उसको आपको ढूंढना है क्या अच्छा है। अब आते हैं विल पावर पे। विल पावर बहुत जरूरी है, कंट्रोल करना है ओवर अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। कई बार हमें अट्रैक्शन होता है, हम पढ़ रहे हैं बैठ के, फेसबुक पे मैसेज आ गया, इंस्टा पे मैसेज आ गया, हमने कोई पोस्ट डाली उसका लाइक आ गया, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया तो हम भाग के पढ़ते हैं, हम एक कोई फोटो डाल दी तो उसको हम बार बार देखने की कोशिश करेंगे कि इस फोटो में कितने लाइक आ गए, कितने शेयर आ गए, होता है ना ऐसा, होता है या नहीं? तेजी से रिप्लाई करिए आप लोग, होता है ना ऐसा? हाँ, वेरी गुड। तो अब आपको नहीं होना, आपको क्या करना है, अब वो अट्रैक्शन आपका कब डिस्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है ये आपको फील ही नहीं हो पाता है। होता क्या है कि आप तो उधर अट्रैक्ट हुए और वो अट्रैक्शन किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके डिस्ट्रैक्शन में। मीन्स आपने सोचा कि लाओ हम एक पोस्ट देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, पता लगा वो पोस्ट तो आपकी इतनी लंबी देखने में, आपने उसको शेयर किया, फिर उसके नीचे दूसरी पोस्ट आ गई, आप उसको देखने लगे, फिर उसके नीचे तीसरी पोस्ट आ गई, आप उसको देखने लगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपके 1 आवर 2 आवर गए एटलीस्ट। तो ये अट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्शन में चेंज नहीं होने देना है आपको। अब इसके लिए गीता, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने एक श्लोक दिया, उन्होंने अर्जुन को बोला, अर्जुन जब डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, अब भगवत गीता सुना है ना आपने, महाभारत सुना है, भगवान कृष्ण को जानते हैं अपन? नहीं जानते भगवान कृष्ण को? वेरी गुड। अर्जुन सर जानते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भगवान कृष्ण ने, जब अर्जुन डाइवर्ट हो रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक श्लोक बोला। पहले मैं उसको संस्कृत में बता देता हूँ जो लिखा हुआ, फिर इसका हिंदी मीनिंग भी अपन समझेंगे और ये भी समझेंगे कि यहाँ कैसे अप्लाई हो रहा है। वो क्या था, आपूरे माण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंत यदवत तदवत कामायम प्रविशंत सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जैसे ओशियन होता है, आपको शायद पता भी हो कि जितनी भी रिवर्स हैं वो सब जाके डेली कहाँ मिलती हैं, ओशियन में। जो भी रिवर्स हैं वो रिवर वो जाके कहाँ मिलती हैं, ओशियन में डेली। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जितनी भी नदियां हैं वो सब जाके कहाँ मिल जाती हैं, ओशियन में। लेकिन ओशियन जो है वो बड़ा शांत रहता है, पर डे जाके इतनी नदियां मिली उसमें वो उससे डिस्टर्ब नहीं होता, वो बड़ा काम रहता है, एकदम कूल रहता है, एकदम बोलते हैं प्रतिष्ठित रहता है, अचल रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इसी तरीके से
आपको भी अपने ऊपर कंट्रोल रखना है अर्जुन, आपको, उन्होंने कहा कि जो मानव, जो मनुष्य, जो ह्यूमन अपने ऊपर कंट्रोल रख ले, आपको फेसबुक भी दिखेगा, आपको व्हाट्सएप भी दिखेगा, आपको इंस्टाग्राम भी है, सब देखना है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक। अब पर डे 15 मिनट्स आप अपना सोशल मीडिया यूज करें और अपने आप पे एक कंट्रोल रख के चलें। ये ना हो कि सोशल मीडिया के साथ आप फ्लो में आए और चलते चले गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि आपको फ्लो में नहीं जाना है, आपको क्या करना है कि अपने ऊपर एक कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल रखना है कि हमें ये चीज इतनी देर देखनी है, एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, अपने काम पे, अपने मेन जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, उस पर वापिस आ जाना है। ठीक है, इसके बाद एक और श्लोक होता है दूसरा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बोला, ये तो निश्चरति मनश्च चंचलम अस्थिरम ततत्स ततो नियमयतत आत्मनेवा वश्यम नयेत। इसका मीनिंग क्या है? उन्होंने कहा कि हमारा जो मन है ये हर तरफ जाएगा। मन तो कोशिश करेगा कि हम फेसबुक भी चला लें, मन तो कोशिश करेगा इंस्टाग्राम भी ओपन करें, मन तो कोशिश करेगा कि हमारा हम जाके व्हाट्सएप पे मैसेज भी देख लें, टिकटॉक का वीडियो भी कोई देख लें। एक किसी बच्चे ने, किसी फ्रेंड ने हमारे कोई शॉर्ट वीडियो डाल दिया तो उसको भी हम देख लें, रील बना दी, फिर हम तमाम रील देखें। तो लेकिन हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, हमें अपने मन को आत्म संयम में रखना है, सेल्फ कंट्रोल करना है, मन के साथ फ्लो में नहीं जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं नियम में भरतर्षभा। इसका मतलब है कि आप नियम बनाओ कुछ, डिसिप्लिन बनाओ, नियम बनाओ कुछ। आप नियम बनाइए कि आपको पर डे 2 आवर्स स्टडी करनी है, पर डे आपको 5 आवर्स स्टडी करनी है, पर डे आपको सोशल मीडिया केवल चलाना है 10 मिनट 15 मिनट्स। तो ये आपको अपने ऊपर एक संयम रखना है, एक नियम बनाना है, डिसिप्लिन में रहना है, और ये आपका खुद का डिसिप्लिन है। ये नहीं है कि इसमें पेरेंट्स का रोल होना चाहिए, आपको खुद से सोचना है कि हम एकदम डिसिप्लिन में हैं, अब हमें डिस्टर्ब नहीं होना, हमें सिर्फ 20 मिनट या 15 मिनट हमने चला लिया अपना इंस्टाग्राम, अब रख दिया, अब कल आएगा नंबर इसका, आज नहीं आना। तो हमें अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल रखना है, डिसिप्लिन रखना है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे, टाइम वर्सेस टास्क। टाइम वर्सेस टास्क क्या होता है? कई बार होता है कि हमने साहब 5 घंटे पढ़ लिया लेकिन हमारा काम नहीं हुआ, हमारा रिजल्ट नहीं आया, हम क्या करें सर? कई बार बच्चे पूछते हैं 11th के 12th के कि साहब हमने बहुत पढ़ लिया और रिजल्ट नहीं आया। तो हमें फोकस करना है, हमें स्टडी टाइम वेस्ट नहीं करनी, हमें टास्क वेस्ट करनी है। टास्क वेस्ट स्टडी क्या होती है? जैसे मान लो आपके पास कोई टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, किसी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म आप मान लो याद करने जा रहे हो, या किसी रिएक्शन को आप पढ़ने जा रहे हैं, या मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आप न्यूटन्स लॉस पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या करना है? आपको तब तक स्टडी करनी है जब तक कि आपका टास्क कंप्लीट ना हो जाए। आपको टाइम देख के नहीं उठ जाना है कि साहब 2 आवर्स हो गए, खत्म, आज का हो गया। अरे भाई अपन ड्यूटी पे थोड़ी आए, जॉब थोड़ी कर रहे हो कहीं, वहां भी तो अपन कोशिश करें, ज्यादा करें जॉब में भी, लेकिन ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं, आपके लिए है। तो आपको क्या करना है कि ये कोशिश करनी है टास्क वेस्ट स्टडी। और पेरेंट्स अगर देख रहे हैं कि जॉब भी कर रहे हैं तो वो भी कोशिश करें कि टास्क वेस्ट जॉब होनी चाहिए हमें, टाइम नहीं देखना हमें कि घड़ी हो गई और हम चल दिए। उससे आपका ही, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है या आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो होता है। तो आपको क्या करना है, टास्क वेस्ट अप्रोच रखनी है, टाइम वेस्ट नहीं रखनी। टास्क वेस्ट रखने से क्या होगा, आपके टॉपिक्स धीमे धीमे करके कंप्लीट होते जाएंगे और आप चीजों को मैनेज कर पाओगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। अब एक होता है कि रिलैक्सिंग। कई बार की होता है कि हम सो नहीं पाए, नींद नहीं आई, तो रिलैक्स होना भी बहुत जरूरी है। अब जैसे एग्जाम होता है,
जैसे एग्जाम के टाइम कई बार स्ट्रेस, तो मैं हमेशा ही बच्चों को बोलता हूँ अपने यहाँ भी कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो उसकी जो फर्स्ट नाइट है, एग्जाम के पहले की जो नाइट है जस्ट बिफोर एग्जाम, उस रात में बिल्कुल कामली टाइम से सोइए। आप सो जाइए 10 o'clock, मॉर्निंग में 6-7 पे आराम से उठिए, आप पूरी फुल कंप्लीट स्लीप है, फिर आप जाइए एग्जाम में। तो आप ये कोशिश करें कि एटलीस्ट 6 आवर की, 7 आवर्स की जो नींद है, स्लीप है, वो आपके लिए जरूरी है। तो रिलैक्स होना भी बहुत जरूरी है, माइंड को भी रिलैक्स करना है। कई बार होता है कि आप, कुछ बच्चे होते हैं म्यूजिक सुन के थोड़ा उनको रिलैक्स मिलता है, तो थोड़ा अपना म्यूजिक सुन लिया, जो भी आपकी हॉबी है, पेंटिंग करी तो, या कई बार आपको ज़्यादा लंबा पढ़ना है तो आप नैपी ब्रेक ले लो, आप पढ़ रहे हैं बीच में आप 15 मिनट का एक नैपी ब्रेक ले लिया 5 मिनट का, जहाँ चेयर पे बैठे बैठे हेड डाउन किया। यहाँ हम अपने यहाँ जब स्टडी कराते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं, नैपी ब्रेक देते हैं उन्हें, जो हमारे लंबे लंबे सेशंस होते हैं क्लास में, तो 5-5 मिनट के नैपी ब्रेक दे देते हैं बीच में, हेड डाउन किया बच्चों ने, बैठ गए आराम से। तो नैपी ब्रेक आपको जरूरी है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनसे वी कैन मैनेज द स्ट्रेस। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट एक यहाँ पे चीज और आ जाती है कि आपने मान लो कई बार होता है कि सर हम काम करते गए पढ़ते गए और हमें हो नहीं पाया, तो उसमें 2-3 चीजें होती हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आपको अगर हो नहीं पाया तो आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है, दूसरा आपको जो फोकस करना होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि आपके जो एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स को लेके आपको कभी निगेटिव नहीं सोचना कि आपने, कि मान लो आपने एफर्ट्स लगाए और आप सोचो कि नहीं हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल आपको दिया भी था, तो ये कुछ चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे हमने सेकेंड स्लाइड में हमने बात की कि कौन कौन से हैं हमारे पास, बोलते ना कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई एफर्ट्स आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप धीमे धीमे भी अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप स्लोली स्लोली भी चीज़ें कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हमें उसका पे बैक नहीं मिला। आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसका पे बैक आपको जरूर मिलता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, चाणक्य की हमने बात की थी स्टार्टिंग में, मैं एक बार उसको थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूँ। मैं आचार्य चाणक्य, जब घनानंद एक राजा थे, मगध एक राज्य था, स्टेट था भारत उस टाइम पर, जो कंट्री था, जो देश है हमारा भारत, ये छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था बहुत सारे, और मगध एक बहुत बड़ा देश प्रदेश था, वहां पर बड़ा एक समृद्ध राज्य था, स्टेट था। मगध के राजा थे घनानंद, और घनानंद क्या थे, वो बड़े उल्टे सीधे काम करते थे, वो मतलब पढ़ाई लड़ाई से उनको लेना देना नहीं था, उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब कोई ऐसे अच्छे काम नहीं करते थे, किसी की हेल्प नहीं करते थे घनानंद, लोगों को परेशान करना, जो उनकी प्रजा थी, जो उनके लोग थे, उनको भी बड़ा परेशान करते थे। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने जो आचार्य चाणक्य के जो फादर थे उनको भी उन्होंने पनिशमेंट दी, उनको उन्होंने मार दिया, मृत्युदंड दे दिया उनको, क्योंकि वो किंग थे, राजा थे, तो लोगों को दे देते थे सजा। लेकिन वो सबके साथ बुरा कर रहे थे, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे थे मगध के लिए, देश के लिए। आचार्य चाणक्य बड़ा दूरदर्शी थे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें वो समझते थे। तो उन्होंने देखा कि दूर से, उस टाइम पर सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, कि सिकंदर जो अलेक्जेंडर था वो आ रहे थे भारत पर, अटैक करने आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि अब एक टीचर का जो रोल है वो वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टीचर जो होते हैं आपके, वो एक नेशन, आपका नेशन भी क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको बनाते हैं जिससे कि आप नेशन के लिए काम करो। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिलेक्ट किया, और चंद्रगुप्त को उन्होंने इतनी चीज़ें सिखाई, चंद्रगुप्त के साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए कि उनकी खुद की लाइफ भी कई बार थ्रेट में पड़ गई, लेकिन उन्होंने किया चंद्रगुप्त के लिए। और चंद्रगुप्त को लेके उन्होंने मगध पे अटैक किया, मगध पे उन्होंने जाके अपने अंडर में किया चंद्रगुप्त को, उन्होंने वहां का राजा बनाया। आफ्टर दैट जब अलेक्जेंडर, जब सिकंदर यहाँ अटैक करने आए, तो उनको भी इन्होंने हरा दिया। तो सिकंदर को भी किसने हराया था, इन्होंने, चंद्रगुप्त ने, और अल्टीमेटली अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा। सिकंदर हर जगह से जीत के आए थे, लेकिन इंडिया में आके उनको हारना पड़ा। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, उनकी एक विल पावर बड़ी स्ट्रांग थी आचार्य चाणक्य की, उन्होंने चंद्रगुप्त की विल पावर, चंद्रगुप्त को उन्होंने इस तरीके से ट्रेन किया
कि उनको कोई भी एम, कोई भी गोल बड़ा लगता ही नहीं था। हमारे बच्चों के, आप लोगों के जो गोल तो बड़े सिंपल है कि आपको एग्जाम देना है, पास होना है, सिलेक्ट होना है, बढ़िया सी जॉब। आपके पास ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाके किसी को हरा देना है, ये सब करना है। दूसरा, वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने करते गए। आचार्य चाणक्य ने हमेशा सिखाया चंद्रगुप्त को कि आप अपने में इम्प्रूव करो, ये मत देखो आपकी दूसरा क्या कर रहा है। आप लोग भी, आप में से कई बार क्या होते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं उनको देख लेते हैं, जो थोड़ा सा कम पढ़ रहा है बच्चा, वो बिलो एवरेज है, वो परेशान हो जाता है कि सर या मैडम हमारे नंबर नहीं आ रहे, मैम उसके मार्क्स आ रहे हैं। तो इसमें नहीं, आपको क्या करना है इम्प्रूवमेंट के लिए, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। जैसे आपने आज टेस्ट दिया, मान लो आपके 40% मार्क्स आए, तो जब आप नेक्स्ट टेस्ट दोगे तो आपका आपसे कॉम्पिटिशन होगा। आपको क्या लगता है कि जो टॉपर है उसको स्ट्रेस नहीं होता, उसको तो और ज्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि उसको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है, उसको इतना पढ़ना है कि उसकी पोजीशन मेंटेन रहे। तो आप सबको लास्ट में मैं यही बोलूंगा सभी बच्चों को कि आपको क्या करना है, आपको इतने एफर्ट्स लगाने हैं कि आपकी खुद से कंपटीशन हो, आपको खुद से कॉम्पीट करना है। इस टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए, अगले टेस्ट में आपके कितने आएंगे, आपका खुद का इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअसली होना चाहिए। और फिर आप देखोगे कि एट द एंड ऑफ द डे, कि जब आप खुद का आपका इंप्रूवमेंट होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आप भी उसी सिचुएशन पे पहुंच जाओगे, आप एक पॉजिटिव, आपके माइंड में एक पॉजिटिव कंपटीशन होगा, नेगेटिव नहीं होगा कि हम किसी को पीछे करके आगे बढ़ जाए। आप खुद को इम्प्रूव करें जितना कर सकते हो, अपने पे काम करिए। आप पिछले टेस्ट में आपके 10 मार्क्स आए आउट ऑफ 50, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलता हूँ बच्चों से कोई इश्यू नहीं, कम आए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपने कोशिश करनी है कि अब जो टेस्ट होगा उसमें आपके मार्क्स मैक्सिमम आएंगे, या पहले से आप इम्प्रूव करोगे। और ऐसा भी नहीं कि 10 से एकदम आपके 90% आ जाएं, या 40 से 90% हो जाएं। हम तो कह रहे हैं ना कि आपके 40 आए, नेक्स्ट टेस्ट में 45 करिए, 50 करिए, 60 करिए, धीमे धीमे करो। लेकिन हमेशा आपका ग्राफ इंक्रीज होना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ये ना हो कि ग्राफ आपका नीचे आ गया। बात समझ में आई सबको? तो अब जब भी स्ट्रेस हो तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए आपको, भगवान राम का एग्जांपल दिया, सुग्रीव का एग्जांपल दिया, हमने लॉर्ड कृष्णा का एग्जांपल दिया अर्जुन के साथ, भगवान कृष्ण का, चंद्रगुप्त वाला एग्जांपल दिया आचार्य चाणक्य का। तो ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं, जब भी निगेटिव थॉट्स आए, स्ट्रेस आए कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कल पेपर है, कैसे होगा, तो एकदम काम हो जाइए, कूल हो जाइए। क्योंकि आप जितना स्ट्रेस, जितना उलझोगे, जितना परेशान होगे, उतना उलझते जाओगे। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्ट्रेस, तो इससे बाहर आना है हमें, उलझना नहीं है इसमें। सबको क्लियर हो गया एकदम? कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क। यस सर। कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क। Thank you so much. Thank you. Okay, thank you.